फ्रेंड, वीडियो में जो आपको दिख रहा है, क्या आप इसे पहचान पा रहे हैं और क्या आप बता सकते हैं कि इसे आपके यहाँ क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड, इसका आज मैं करने जा रही हूँ DIY, जो कि फिलहाल काफ़ी पुराना हो चुका है। तो फ्रेंड, वीडियो के एंड तक बने रहिए इसका फाइनल लुक देखने के लिए कि इसे डेकोरेट करके देने जा रहे हैं हम न्यू लुक। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। फ्रेंड, ये है हैंड फैन, इसे गांव में बेना बोला जाता है। और आपके यहाँ इसे किस नाम से बोला जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, वैसे तो बेसिकली गांव में पहले ज़्यादा यूज होता था जहाँ पे लाइट नहीं होती थी, तो इसे एज ए हैंड फैन की तरह यूज में लाया जाता था। और शहरों में ऐसी चीज़ें अब कहाँ देखने को मिलती हैं, तो मैंने सोचा क्यों न इसे संभाल के रखा जाए कि आगे की जनरेशन के लिए बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी। फ्रेंड, आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास कैसे आया। फ्रेंड, हमारे यहाँ एक बट सावित्री की पूजा होती है जिसमें इसे यूज करते हैं, और ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो फ्रेंड, बड़ी मुश्किल से एक बार मुझे मार्केट में मिला, तब से मैं इसे संभाल के रखी हूँ क्योंकि शहरों में ऐसी चीज़ें जल्दी मिलती नहीं। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक्रेलिक कलर, और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वन बाय वन इन सभी कलर को पेंट करते जा रही हूँ। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादातर मल्टी कलर यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे सभी कलर बहुत पसंद आते हैं। और इसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं लगा रही हूँ गोटा पट्टी लेस। और इसका ये वाला पार्ट कुछ खाली खाली लग रहा है, तो चलते हैं थोड़ा यहाँ भी डिजाइन बना के इसे डेकोरेट करने। अब इसका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लगने लगा है। तो फ्रेंड, इसके अंदर वाले पार्ट को और भी हाईलाइट करने के लिए हम करेंगे इस तरह से ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग।
चलते हैं इसका अब हम फाइनल लुक देखने। तो फ्रेंड रेडी है हमारा ये ब्यूटीफुल हैंड फैन, आप इसे एज ए होम डेकोर की तरह भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।